ब्रांड के वड़ा पाव, तो ये है हमारा गोली वड़ा पाव और ये है मुंबई वड़ा पाव। तो हम दोनों का मतलब जो भी था उनके पास वो सब कुछ ला लिया अभी इस बार, तो मतलब देखते यार सेम सेम टेस्ट में, और हमने दोनों के ब्रांड के सेम सेम लाए हैं। और इनकी प्राइस भी काफी कम है, मतलब बहुत 40 रुपए से, एक तो 25 गोली पकड़ा पाओ तो 25 रुपए से चालू हुआ है, तो देखते हैं अभी। तो ये है कुछ मिर्चियां, तो ये चार मिर्ची ओके, और एक कुछ केचप्स, अरे वाह केचप्स बहुत दिए चार। सो गोली वड़ा पाव निकाल लेते हैं, हमने पांच लाए हैं, पांच वैरायटी इनकी, दोनों की पांच पांच वैरायटीज सेम जो है इनके पास, ये पांच टाइप के वड़ा पाव हो गए। और ये हमको मुंबई वड़ा पाव भी मिला बहुत सारा सॉस, ये हमारे पांच वैरायटी ऑफ वड़ा पाव। सो इतने सारे वड़ा पाव आज आकांक्षा ट्राई करने वाली है। इतने सारे वड़ा पाव यार कैसे खाऊंगी मैं अकेले, थोड़ा थोड़ा खाओ फिर खा लेंगे अपन दोनों मिलके। तो चलो अभी दोनों का देखते हैं टेस्ट और कैसा है और कौन सा वर्थ इट है या नहीं। मैं बोलूं क्या, मैं बोलूं बोल लो बोल लो बोल लो। तो सबसे पहले क्लासिक वाला जो 25 रुपए का है वो वड़ा पाव देखते हैं। सो ये गोली वाला क्लासिक, और ये तो समझा नहीं, ये मुंबई वाला क्लासिक, इसके ऊपर लिखा नहीं है। हाँ ये शेजवान चटनी, बापरे बापरे, ये शेजवान वाला होगा रे, शेजवान है ये, काफी अच्छा है पाव ना, क्वालिटी पाव काफी अच्छा है, फ्रेश दिख रहा है। मुंबई वड़ा पाव 30 का है और ये गोली वाला। सो चलो भी है टेस्टिंग की बारी, तो पहले गोली करते हैं, पहले ही करती हूँ अभी मुंबई वड़ा पाव, फिर बताते दोनों का टेस्ट कैसा है। दोनों में शायद सेजवान चटनी है, लेकिन जो मुंबई वड़ा पाव है बहुत ज्यादा स्पाइसी है, तीखा है बहुत ज्यादा, और ये है ये मेरे को मतलब जिंजर गार्लिक का पेस्ट जैसा कुछ लग रहा है ज्यादा इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा चीज वड़ा पाव, तो चीज चिपक गया है पूरा इसमें, और ये देखते हैं दूसरा, दिखाओ उसमें चीज है क्या। हाँ है इसमें चीज, साइड साइड से दिख रहा है, सभी में एक ही चटनी लग रही है, एक समान ही चटनी दिख रही है, वड़ा पाव एक ही है ना। देखते हैं अभी टेस्ट दूसरा, अब इन दोनों में से ये मेरे को जैसे पहले था वैसे ही लग रहा है, बस चीज अलग है और चीज थोड़ा जम गया ना तो अजीब लग रहा है, और ये गोली वड़ा पाव में कुछ तो चेंजेस है, थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं, आ गई अभी जब तक मेरे वीडियो में टांग अड़ाते रहते हैं, फिर मेरे को भी टेस्ट करना है ना। सो गाइस अभी देखते हैं, सबसे पहले हम अभी इसका रिव्यू छोड़ो, अब मैं बताता हूँ आपको ये कौन सा है, ये आई थिंक हरा भरा है, तो हरा भरा में इन्होंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये व्हाइट सॉस लगाया है, और यहाँ पे इन्होंने ये जो है वड़े के अंदर ग्रीन कुछ तो भी ग्रीन चटनी है, और ये भी हरा भरा है, गोली का ये बड़ा है थोड़ा, है ना, पाव बड़ा है, ये तो पूरा बर्गर टाइप लग रहा है। सही टेस्ट है इसका, 45 में वर्थ इट है ये, इनका मुंबई वाला वो दिखाओ मेरे को, ये है इनका, सही में बर्गर जैसा लग रहा है। ये उतना ठीक नहीं, ये ऐसा खट्टा सा लग रहा है ये, लेकिन इनमें ये सही लगा। महाराजा सबसे बड़ा है, वो महाराजा दिखाते हैं आपको, ये वड़ा पाव कम और बर्गर ज्यादा लग रहा है, देखो बहुत सही लग रहा है महाराजा वाला, इनका भी सही है, लेकिन ये गोली वाला मस्त है, बहुत सही है, इसका प्राइस लगभग 80 रुपीज कुछ तो भी है, लेकिन वर्थ इट है। सो अभी तक जो मैंने किया मेरे को महाराजा गोली का बहुत सही लगा, और इनका वो पहले वाला कौन सा था, वो जो बर्गर जैसा लगा वो हरा भरा, ये दोनों बहुत सही लगे। अभी लास्ट है पनीर वाला, तो देखते अभी इसमें भी इन्होंने सेजवान चटनी को डाला, ये वाली चटनी अच्छी नहीं लगती यार, क्योंकि बहुत तीखी तीखी सी लगी मेरे को, और एक गोली का देखते हैं उतना सही नहीं लगा। ये खा के देखो गोली का, इसमें एक्चुअली पनीर का टेस्ट भी आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कोई ब्रेड वाला पिज्जा खा रहा है। तो जो गोली के वड़ा पाव है ना, इन्होंने वैरायटी निकाले लेकिन बहुत सही, उसके हिसाब से सही है, क्योंकि पनीर वाला बहुत सही लग रहा है, महाराजा भी सही लग रहा है, बस वो जो 25 रुपए वाला था ना उसमें उतना टेस्ट नहीं आ रहा था, जैसे अरे 20 रुपए वाला वड़ा पाव क्या मस्त लगता है, मुंबई वाला खतरनाक, और इनमें जो है इनमें मेरे को एक दो ही का ही टेस्ट अच्छा लगा, जिसमें वो हरा भरा था और थोड़ा महाराजा ठीक ठाक था, तो सही है ये कम में बर्गर खाने से अच्छा, सही है ना, तो वड़ा पाव खाओ मस्त रहता है, और सॉस और इन्होंने ये भी दिए है मिर्ची, तो बहुत सही है यार।